दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ। अगर आपके पास 30 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देखना, अदरवाइज़ इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस 30 मिनट के अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बन जाएंगे। इस 30 मिनट के अंदर आप बोलना कैसे हैं ये सीख सकते हैं। इस 30 मिनट के अंदर आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि आप एक बेहतर स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपके पास 30 मिनट का समय है, आपके पास डायरी पेन है, तभी आप इस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्रीमियम कंटेंट है, ये फ्री के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपकी लाइफ के अंदर बहुत काम आएगा। इसी वीडियो के अंदर एक 4 डिजिट का कोड आएगा जो 1 सेकेंड के लिए दिखेगा आपको। वो बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है। अगर आप उस कोड का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे तो मैं आपको एक ज़बरदस्त गिफ्ट दूंगा जो आपके लिए बहुत काम आएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कोड भी मिल जाएगा और आपको एक कम्युनिकेशन स्किल की मास्टरी हो जाएगी। इस दुनिया की सारी स्किल एक तरफ और कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ। अगर आपने बोलना सीख लिया, अगर आपने कम्युनिकेट करना सीख लिया, तो दोस्त आपने सब कुछ सीख लिया। इस दुनिया में सबसे बड़ी कला का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आप देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आप देखते हैं, राजनेता आप देखते हैं, उन सब ने इस कला को एक दिन सीखा था। यह एक ऐसी कला है जिसको जितना निखारोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने ही बेहतर बनोगे। इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कला का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। और मजे की बात यह है कि यह कला आप सीख सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे वादा किया था कि जिस दिन ये 5000 लाइक हो जाएगा, जिस दिन इस वीडियो में 5000 लाइक हो जाएगा, मैं कम्युनिकेशन का वीडियो दूंगा। लेकिन उसमें अब तक 5000 हुए नहीं है, उसमें अब तक 1000 लाइक हुए हैं। लेकिन आपने इतने सारे कमेंट करे कि सर कम्युनिकेशन स्किल का वीडियो चाहिए, तो आप सभी का कमेंट देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिजनेस में नहीं, दुनिया के कोई भी बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को तो सुधारना पड़ेगा। चाहे वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, उसको कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना पड़ेगा। जब तक ये नहीं सुधारेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज मिलेगी, जिस गुड न्यूज को सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बना सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना, केयरफुली सुनना, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर आपने ये 6 पॉइंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल में ऐड ऑन कर लिए तो आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, आप एक बेहतर रिप्रेजेंटर बन सकते हैं, आप एक बेहतर प्लान देने वाले बन सकते हैं, आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, आप एक बेहतर मंच पे बोलने वाले बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में ऐड ऑन करने ही पड़ेंगे, इसके बिना आप कभी भी स्पीकर नहीं बन सकते। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बोले। जितना जरूरी बोलना होता है उतना जरूरी सुनना भी होता है। अगर आप सिर्फ बोलेंगे तो आपके बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको बोलना क्या है। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे पहला पॉइंट है हैव करेज टू से। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, जहां कहीं भी मौका मिले हिम्मत रखनी पड़ेगी, नहीं तो ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी वेपन्स की तरह है जो पूरा लोडेड है, बुलेट से पूरा लोडेड है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं। आपके पास मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है जब तक आप उन शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे। आपको सारी दुनिया का ज्ञान है, आपके पास बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन जब तक आप अपने शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे वो शब्द किस काम के हैं। तो आपको कैरेज रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, जहां कहीं भी आपका नंबर लगे, जहां कहीं भी मौका मिले बोलने की हिम्मत करिए। दोस्तों, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया है। बहुत सारे लोग यहां गलती कर देते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं है,
उनके अंदर ऐसी हिम्मत ही नहीं होती कि वो हाथ खड़ा करके कुछ पूछ ले। तो जहां कहीं भी आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आया। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे पास में बैठा है वो क्या सोचेगा, जो मेरे आगे बैठा है वो क्या सोचेगा, मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया तो फिर क्या सोचेगा। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप दिन भर लोगों से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, किसी से मिलते हैं तब बात करते हैं, लेकिन वहां क्या हो जाता है, सिर्फ इतनी सी चीज के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ इतनी सी चीज के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर नहीं बन पाते हैं। लोगों को बहुत डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों लोगों का काम है सोचना, आपका काम है करना। अगर आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, अगर आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग तो सोचेंगे। दोस्तों जहां कहीं भी मौका मिल रहा है बोलना शुरू कर दीजिए, हाथ ऊपर करके बोलना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे से गलती होगी तो क्या, आप वो गलती कर रहे हैं जो इस दुनिया के हर बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने करी है, आप वो गलती कर रहे हैं जो इस दुनिया के हर बड़े स्पीकर ने करी है, आप वो गलती कर रहे हैं जो आपके सामने बोल रहा है उसने भी करी होगी। तो ये पहली सीढ़ी है दोस्तों, अगर आप इस पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, अगर आप कैरेज नहीं रखेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो आप बोलना कभी नहीं सीख पाएंगे। हिम्मत रखनी पड़ेगी, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, इस बात को ध्यान रखना। हर इंसान इस दुनिया में आने के बाद बेहतर से बेहतर बोलना सीखता है और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको जितना निखारोगे उतने बेहतर बनते जाओगे। तो आज के बाद पॉइंट नोट कर लेना, जहां कहीं भी मौका मिले सबसे आगे बैठना और बोलने की हिम्मत करना। जो कुछ भी समझ ना आया हाथ खड़ा कर दीजिए, बिंदास बोलिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप पूरे दिन में बात करते हैं। ये तो है नहीं कि आपको बोलना ही नहीं आता, आपको बोलना आता है, लेकिन एक डर सता रहा है कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं जब खड़े होते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, सोच के देखिए। लेकिन जब आपको पता होगा कि मुझे खड़े होके बोलना है, मेरे में हिम्मत आ सकती है, मेरे में करेज है, मैं बोल सकता हूं, तब बिंदास बोल सकते हैं। दोस्तों ये पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए, जिंदगी में इंप्लीमेंट जरूर करना इस पॉइंट को। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल का, लिसन केयरफुली। अगर चार लोगों की कहीं बात चल रही है और आप केयरफुली नहीं सुन रहे हैं तो आप बोल ही नहीं सकते। अगर आपने बोला है तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मान लीजिए चार लोगों की बात किसी दूसरे टॉपिक पे चल रही है और आपने किसी दूसरे टॉपिक पे बात चालू कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। और नॉट ओनली गुड लिसनर, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक अमल करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर स्पीकर बन सकते हैं। मान लीजिए आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं, उसने क्या बोला है, अगर आपने ये ध्यान से सुना तो आप इमोशन मैच कर सकते हैं। अगर ध्यान से नहीं सुना और सामने वाले ने कोई बैड न्यूज या सैड न्यूज दे दी और आपने सेम प्रतिक्रिया दी जो आप हमेशा देते जा रहे हैं, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। तो इमोशन मैच करना है, और इमोशन मैच तभी होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे, जब आप ध्यान से समझेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। तीसरा पॉइंट, दुनिया के हर लीडर ने वर्चुअल एक्सपीरियंस किया है, इस दुनिया में हर लीडर ने वर्चुअल ट्रेनिंग ली है। आपको अपने शब्दों को सुधारने के लिए वर्चुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जितना एक्सपीरियंस आपका होगा आप उतने बेहतर स्पीकर बनेंगे। आपने जितने शब्द अपने मुंह से निकाले हैं आपके हर शब्द पीछे वाले से बेटर होगा, याद रखना। वर्चुअल एक्सपीरियंस आपको करना है। अब वर्चुअल एक्सपीरियंस कैसे करना है, आप अपनी फैमिली को बिठाइए, आप खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस करिए, उनके सामने टॉपिक रखिए, उनको बोलिए कि मैं बोलना सीखना चाहता हूं, या आपके चार दोस्तों के बीच में बोलिए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, किस तरीके से करनी है, अगर आपने ये स्लाइड देख ली तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या बेहतर हो सकता है, क्या मैं चेंज कर सकता हूं। ये चीज आपको जरूर समझनी चाहिए, आपकी लाइफ में 3 स्टेज आएगी। कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा।
जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों के सामने बोलेंगे, जब आप वीडियो बनाएंगे, ये तीन स्टेज आपके सामने आएगी। सबसे पहले आपके रो वर्ड्स होंगे, टूटे फूटे शब्द होंगे। आपने बहुत कुछ याद किया है, वीडियो के सामने जैसे ही गए आप टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसको जारी रखेंगे तो एक दिन आपके शब्द फाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले रो वर्ड्स होते हैं और ये दुनिया के हर इंसान के होते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के साथ यही सेम चीज़ होती है कि उनके सबसे पहले रो वर्ड्स यानी कि टूटे फूटे शब्द होते हैं। दूसरा, फाइन वर्ड्स की स्टेज होती है। जब आप रो वर्ड्स की स्टेज को पार करते हैं तो सेकेंड स्टेज आपकी आती है फाइन वर्ड्स। जब आप रो वर्ड्स पे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, जारी रखते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक फाइन वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सुधर जाएगी, अब आप बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सामने वाले को समझ आनी शुरू हो जाएगी। और इसी पे जब आप रेगुलर कंसिस्टेंट अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो एक दिन आपके सामने ऐसा आएगा कि आपके शब्द माइक्रो हो जाएंगे, आपके माइक्रो वर्ड्स हो जाएंगे। आप एक शब्द बोलेंगे तो सामने वाले के दिमाग में फिट हो जाएगा, समझनी, दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये तब होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। माइक्रो वर्ड्स तक आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, अपनी फैमिली के चार लोगों को बिठाइए, बोलना शुरू कर दीजिए। चार दोस्तों के बीच में गए हैं, बोलना शुरू कर दीजिए उनको। आप बोल सकते हैं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप बैठिए, मैं खड़े होके बोल रहा हूँ। जब आप खड़े होके बोलेंगे ना तो आप में हिम्मत चाहिए होगी, और जब आप हिम्मत वाला काम करेंगे ना तभी आपको करेज आएगा, तभी आप में हिम्मत बढ़ेगी, तभी आपको लगेगा कि मैंने कोई टास्क पूरा किया है। अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर नहीं बन सकते, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ से डर लगता है वो करिए। आपको डर लगता है कि आप मीटिंग में बोल नहीं सकते, वो करिए। आपको डर लगता है कि मेरा सीनियर मेरे को बोलने के लिए ना बोले, वो करना पड़ेगा। आपको डर लगता है कि मेरे को कोई इन्वाइट ना कर दे बोलने के लिए, वो करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के अंदर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपने शब्दों की डिलीवरी कैसे देते हैं, आप अपने शब्दों को कैसे निकाल रहे हैं। अगर आपने सेम ले सेम ताल के अंदर बोला है तो सामने वाले इंसान पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वो कोई रेडियो सुन रहा है, जिस तरीके से वो कोई बुक्स पढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से होगा। आपके शब्दों के अंदर जब तक इस तरीके से ऊपर नीचे लाइनें नहीं जाएगी तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधरा हुआ नहीं मान सकते। आप अपनी रिकॉर्डिंग करिए, अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर इस तरीके से देखिए कि मेरी वॉल्यूम कहाँ डाउन हो रही है, कहाँ अप हो रही है, इस चीज़ को ज़रूर सुधारिए। और बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल के अंदर यही चीज़ होती है कि ये लाइन कभी भी बराबर नहीं आनी चाहिए, कहीं नीचे कहीं ऊपर। अगर किसी का फोकस बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने शब्दों को, किस शब्द को नीचे लेके जाना है, किस शब्द को ऊपर लेके जाना है, किस पे जोर डालना है, ये चीज़ बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ये शब्द पढ़िए, रोको मत जाने दो। मैंने क्या बोला है, रोको मत जाने दो, मतलब किसी इंसान को रोको मत, उसको जाने दो। अब मैं इसी लाइन को दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ, रोको मत जाने दो। एक लाइन के दो बिल्कुल डिफरेंट मतलब निकलते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब पांचवा पॉइंट है दोस्तों, कीप आई कॉन्टेक्ट। अगर आप कहीं बोल रहे हैं और आपका आई कॉन्टेक्ट नहीं बन पा रहा है तो आप 100% बोल रहे हैं, समझ में 10% भी नहीं आएगा। आपको आई कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा, और एक जेंटल आई कॉन्टेक्ट बनाना है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि किसी के सामने नजरें जोड़ लेनी है, एक जेंटल आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। एक जिस तरीके से आप बात करते हैं तो आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, आपकी आंखों से वह बहुत कुछ सुनता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सुनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नजरें नीची करके बोलते हैं,
बहुत सारे लोग बोलते हैं, साइड में कहीं देखने लग जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। आप ऑडियंस के साथ कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकते, आपका वो कनेक्शन बन ही नहीं सकता जब तक आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे। आई कॉन्टैक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका अलग तरीके से होगा। अगर आप 100 लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट अलग तरीके से होगा। अगर आप 100 लोगों की तरफ कर रहे हैं तो आपको एक जगह आई कॉन्टैक्ट कभी नहीं रखना, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फोकस करना है। एंड डोंट यूज गैप फिलर्स। आप बेसिक आराम से बोलिए, आप बेसिक अपने शब्दों को सोच सोच के बोलिए, तोल तोल के बोलिए, लेकिन आपके शब्दों में अगर किसी भी तरीके की फिलर्स लग रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की। तो इस मार्केटिंग प्लान के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आपने फिलर्स का इस्तेमाल कर दिया तो मान लीजिए आपने अपनी ऑडियंस को डिसकनेक्टेड कर दिया। अगर आपने फिलर्स किसी भी तरीके का यूज कर लिया अपने शब्दों के अंदर, तो मान लीजिए आपने अपने ऑडियंस को खो दिया। बेसिक रुकिया, बेसिक स्पेस दीजिए, लेकिन कभी भी फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी शब्द चेंज करना है, कोई भी लाइन चेंज करनी है, तो बीच में बहुत सारे लोग फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह सो फाइनली बात करते हैं। इस तरीके से आप इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्पीच में फिलर्स का यूज कभी ना करें। अब छठा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वॉइस टोन। वॉइस टोन की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, वॉइस टोन की वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट गए हैं, और वॉइस टोन की वजह से बड़े बड़े डिवोर्स हो गए हैं। उनके शब्दों में ऐसा कोई ज़्यादा गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ वॉइस टोन की वजह से वो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो अपने वॉइस टोन को सुधारना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही वॉइस, जैसे एक पीके फिल्म के अंदर एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पे एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात, मतलब एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, उसी को वॉइस टोन बोलते हैं। अपने शब्दों के अंदर वॉइस टोन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। अब कहीं मत जाना, एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज है आपके लिए। अब फाइनली बात करते हैं इस गुड न्यूज़ की। दोस्तों मैंने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक की एक लाइव वर्कशॉप करी थी। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हमने सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक की रोज 1 घंटे की लाइव वर्कशॉप करी थी जूम एप्लीकेशन में, जिसमें हम 50 लोग एक साथ ही ट्रेनिंग लेते थे। यानी कि मेरे साथ में लगभग 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस वर्कशॉप के लिए। इसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल से लेके इनविटेशन से लेके फॉलोअप से लेके क्लोजिंग से लेके प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये सारी ट्रेनिंग हमने 1 महीने लगातार प्रैक्टिकली डिटेल से करी थी, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक वर्कशॉप और करूंगा जो 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर 1 महीने की ये वर्कशॉप लेने के बाद आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो इस वर्कशॉप का जितना भी चार्ज होगा, जितना भी प्राइस होगा, वो रिफंडेबल रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि इस वर्कशॉप के अंदर आपको वो चीज मिलेगी जो आज तक आपको नहीं मिली। क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी पूरा डिटेल से बात करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है प्रैक्टिकल भी करेंगे, सिखाएंगे भी, और आपको भी मौका मिलेगा कि आप कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। इसमें आदतें सुधरेगी, क्योंकि हम ये ट्रेनिंग सुबह 5:30 से लेके 6:30 बजे तक करेंगे, यानी कि लगभग 6:15 बजे तक करेंगे। 45 मिनट की होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 6:30 बजे तक करेंगे, क्योंकि हम 1 घंटे की मिनिमम ट्रेनिंग करते हैं। ये 1 महीने ट्रेनिंग चलेगी दोस्तों, 8 तारीख से 8 नवंबर 2022 को ये वर्कशॉप शुरू होगी और 8 दिसंबर को ये खत्म होगी। इसमें आपकी आदतें सुधरेगी, इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, इसमें आपको इनविटेशन कैसे करना है पूरा डिटेल से आ जाएगा, फॉलोअप कैसे करना है पूरा डिटेल से आ जाएगा, टीम बिल्ड कैसे करनी है पूरा डिटेल से आ जाएगा, टीम मैनेज कैसे करनी है
ये भी पूरा सीख सकते हैं, और टीम में आप बेहतर लीडर कैसे बन सकते हैं ये भी आपको इस ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस के अंदर आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ये ट्रेनिंग, अगर आप ये वर्कशॉप सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं तो ये वर्कशॉप कभी मत ज्वाइन करना। अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके इस वर्कशॉप की पूरी डिटेल जान सकते हैं। इस वर्कशॉप में क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से ज्वाइन होगी, क्या प्राइस है, ये पूरा डिटेल से आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको डिटेल से वो सारी चीजें मिल जाएगी, और कमेंट के अंदर जाएंगे तो भी सबसे ऊपर का कमेंट जो होगा वही हमारा गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप ये सारी डिटेल जान सकते हैं। याद रखना ये वर्कशॉप 8 तारीख को शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों के अंदर आपको फॉर्म फिल करके इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप ये कर पाओगे। पूरी डिटेल जानने के लिए अगेन आपको बोल रहा हूं कि लिंक पे क्लिक करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। और अगर आप दिल से इंटरेस्टेड हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ही ये वर्कशॉप आप ज्वाइन करना दोस्तों। अब जो हमने अक्टूबर महीने में वर्कशॉप करी थी, जितने भी पार्टिसिपेट थे उन लोगों को क्या फायदा हुआ था, क्या रिजल्ट मिला, क्या परिणाम निकला, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूं। कुछ लोगों ने जिसमें पार्टिसिपेट करके पूरी सभी बातों को फॉलो किया उनका एक्सपीरियंस बताता हूं। सारे लोगों के वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए कुछ सिलेक्टेड लोगों का एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूं। जरूर ध्यान से देखना कौन कौन कहां कहां से है और उनके क्या क्या एक्सपीरियंस है, ताकि आपको भी पता लगे कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। हो सकता है मैं बता रहा हूं तो आपको इतना भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो लोग आए हैं इस वर्कशॉप में, जिन्होंने अटेंड करी है, उसका रिजल्ट आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम किश तिवारी है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं, और यूट्यूब के माध्यम से पूनम मोर जी की मैंने बहुत सी वीडियो देखी, और वीडियो को देखने के बाद मेरी एक दिन उनसे कॉल पे बात हुई और मैंने उनकी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की। वाकई बहुत ही काबिल तारीफ ट्रेनिंग मीटिंग थी। 30 दिन की इस ट्रेनिंग मीटिंग में माइंड ब्लोइंग चेंजिंग आई, जिससे ये पता चला कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। आज उन सभी चीज़ों को सुधार के मैं एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, और डायमंड लेवल पे जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे हूँ वहाँ मैं एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ, और मेरी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ पूनम जी का, और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी ही ट्रेनिंग हमेशा करते रहें और हम और आप उनसे हमेशा सीखते रहें। और आप सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि पूनम मूर्ति की ट्रेनिंग जरूर आइए और सीखिए कैसे क्या करा जाए कि डायरेक्ट सेलिंग में हम सफल हो जाएँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम किरणदीप कौर है और मैं पंजाब के एक गांव कुलाहा से हूँ। अगर काम की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बहुत टाइम से जुड़ी हूँ, बहुत टाइम से ज्वाइन होती हूँ, बट कहते हैं कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तभी उसमें ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन के बाद भी तो बहुत टाइम से ज्वाइन हूँ, बट काम मैं पिछले 1.5-2 साल से कर रही हूँ। जब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखती थी, बहुत सारे वीडियोज़ की वीडियो देखती थी, पूनम सर की वीडियो भी देखती थी मैं, बट एक बार सर का मुझे यूट्यूब पर अनाउंसमेंट हुई कि वो एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने वो वर्कशॉप स्टार्ट की, मैंने ज्वाइन किया उसमें, मैंने क्लासेस अटेंड करनी शुरू की। उनमें जो सर बताते थे बहुत ब्रीफ नॉलेज थी, हर स्टेज पे हम कैसे काम कर सकते हैं उसकी रिगार्डिंग को अच्छे से और सिंपल तरीके से ब्रीफ नहीं समझाते थे। मैंने उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। मेरे काम में इंप्रूवमेंट आई, मेरी इंप्रेशन में इंप्रूवमेंट आई, मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ उसमें इंप्रूवमेंट आई है, तो मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है। आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम पर जो भी सर वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे उसको मैं जरूर ज्वाइन करूँगी। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर शर्मा है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आज 15 मंथ कंप्लीट हो गए और एक सक्सेसफुल 6-फिगर अंडर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूं। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट चीज़ की एक नीड होती है, वो होती है लर्निंग। अपनी जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी, जितनी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगी, उतनी ज़्यादा अपनी इनकम होगी। तो उसके लिए मैंने 1 महीने पहले 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एक वर्कशॉप लॉन्च हुई थी पूनम मोहन सर की, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट कोच माने जाते हैं। तो उनकी वर्कशॉप से मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट हुआ, साथ में मेरी टीम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो न्यू वर्कशॉप लॉन्च हो रही है हम सभी। नमस्ते, मैं स्नेहा साक्या, मैं यूपी के टावा से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस प्लेटफॉर्म में आए हुए 7-8 महीने हो चुके हैं। मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारी मैं गलतियाँ भी करती थी। और एक काम मैं बहुत करती थी, पूनम मोर सर की मैं वीडियोज़ देखती थी यूट्यूब से। तो पूनम मोर सर ने एक बार एक अनाउंसमेंट की थी वर्कशॉप के लिए, वो वर्कशॉप 30 डेज की थी, और मैंने उसको फिर सर से कॉन्टैक्ट किया किसी तरीके से, फिर सर से मैं कॉन्टैक्ट करके सर से ज्वाइन हुई और मैंने वहाँ से 30 दिन की जो वर्कशॉप थी उसको अटेंड किया
और वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और आज मैं उन्हीं की सच्ची बातों को फॉलो करती हूँ और फॉलो करके आज मैं सर से जो सीखा है और उसे बहुत कुछ सीख करके आगे कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसी वर्कशॉप को हमेशा लेके आते हैं जिससे हम जैसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्हें जो इस जरिए में रहते हैं कि कुछ हमें सीखने को मिले, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच सर, ऐसी इंप्लीमेंट मुझे करना है तो आगे भी वर्कशॉप लेके आइए, मैं उसका भी पार्ट बनूँ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप जांगेड़ है, मैं राजस्थान सीकर से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले एक साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है कि जैसी हमारी लर्निंग होगी वैसी हमारी अर्निंग होगी। सो दोस्तों, मैं पिछले कुछ टाइम से यूट्यूब के ऊपर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सो मेरे सामने पूनम मोड सर की कुछ ऐसी वीडियोज़ आनी स्टार्ट हुई जिसको मैंने देख के सीख के इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सो उसके साथ साथ पूनम मोड सर ने एक ऐसी वर्कशॉप तैयार की जिस वर्कशॉप का मैं पार्ट बना और उस वर्कशॉप के अंदर जो चीज़ें मुझे सिक्वेंशियल तरीके से सीखने को मिली है, बड़ी अमेजिंग वर्कशॉप रही है सर की। जो 30 दिन की हमें वर्कशॉप मिली है उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हमें मिली है उस वर्कशॉप के अंदर, जिस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद एक बेसिक से लेके हाई तक हमें सब कुछ एक सिक्वेंशियल तरीके से सीखने को मिला है। सो थैंक यू सो मच पूनम मोड सर, आपने जो भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की है वेरी वेरी अमेजिंग सारी ट्रेनिंग्स रही हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो दोस्तों, सो मैसेल्फ पवन चीमा फ्रॉम अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ। तो जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का टोटल एक्सपीरियंस है वो 5 से 6 साल का है। तो अब मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सो जिसका ब्रांड नेम है TMPR चीमा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना वो एक सीखने का है, जितनी देर हम सीखते जाते हैं और उतनी देर उतना ही जो हमारा चेक उतना बड़ा होता जाता है, ठीक है। सो मैं यूट्यूब पे काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो देखता था, ठीक है, और पूनम पुर सर की भी जो वीडियो है मतलब बहुत ही ईजी और सिंपल कॉन्सेप्ट की होती है, ठीक है। तो पिछले मंथ मैंने इनका एक वर्कशॉप लगाया था, ठीक, एक मंथ का, तो उसके बीच मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। और नेक्स्ट मंथ मैं फिर उनकी जो एक अगली वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है ठीक, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो मतलब एक सीखने की कला एक नेटवर्कर के बीच होनी चाहिए, एक लीडर के बीच, एक उसके बीच एक सीखने की पूरी बुक होनी चाहिए उनको। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मुंडे मंगोलपीत डिस्ट्रिक्टवासी महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ। मैं विनफिनिक्स नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर इस कंपनी में पिछले 15 महीने से काम कर रहा हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, हम अगर ट्रेन हो जाएंगे तो लोगों को गाइड कर सकेंगे, लोगों को समझा सकेंगे कि ये बिजनेस क्या है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जबरदस्त ऐसा बिजनेस है, मगर हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक टिकेंगे नहीं, हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। मैंने श्री पूनम मूड से 1 महीने का जो ट्रेनिंग लिया है उसमें मैंने इसमें बहुत बदलाव लगाया, मेरा बिजनेस बढ़ गया, मेरा स्किल बढ़ गया, मेरा लोगों के साथ अभी मैं लोगों के साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ और लोगों को जाहिर भी कर रहा हूँ। तो जबरदस्त ऐसी ट्रेनिंग ली है और नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने के बगैर कुछ नहीं कर सकते और डेडिकेशन से सीखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग लेने की बहुत जरूरत है। और मेरे टीम में अभी मैं 20 लोगों के ट्रेनिंग दे सकता हूँ, ऐसी मैंने कैपेबिलिटी बनाई है श्री पूनम मूड सर ने। थैंक यू पूनम मूड सर, जबरदस्त ऐसी ट्रेनिंग ली और अगला सेशन भी मेरा 1 महीने के लिए मैंने बुक किया है। 1 महीने में मैंने 1 दिन भी मिस नहीं किया और अगले 1 महीने में जब ट्रेनिंग लूंगा उसमें भी 1 दिन 1 मिनट भी मैं ट्रेनिंग नहीं मिस लूंगा। तो थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, माय सेल्फ गुशन शमशेर, मैं बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में 4 मंथ से वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 अक्टूबर को श्री पूनम मूड सर जी का 30 डे का वर्कशॉप का एक पार्ट बना था। बेहद खुशी है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में शुरुआत में ही इतनी बेहतरीन नॉलेज मिल रही है कि जिसके बजाय मुझे मेरा एक होप करता हूँ कि बहुत बड़ा चेक बनेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में जितना सीखोगे उतना टिकोगे और उतना बड़ी टीम मिलेगी, उतना बड़ी लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी, उतना ही बड़ा चेक, उतनी जितने अपने ड्रीम्स हैं टारगेट्स हैं वो जल्दी अचीव होगी। तो मैंने पूनम मूड सर जी का जो वर्कशॉप लिया था 30 डे का, मुझे बेहद ही जबरदस्त नॉलेज मिली और मैं बहुत ही लेजी था, इस वजह से मुझे 5 बजे का जो रिक्वायरमेंट था 5 AM को सर का, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। उसमें मैं बहुत जल्दी उठने भी लग गया और मेरे टाइम शेड्यूल सब मैंने तैयार किया और टारगेट के साथ मैं चल रहा हूँ। इस मंथ मैंने सर ने मुझे बोला कि 25K का मेरा टारगेट है जो सर जी ने मुझे दिया है और मैं वो पूरा करूँगा, क्योंकि इस मंथ नवंबर में भी मैंने इस वर्कशॉप का एक पार्ट बना हुआ। आई होप आप भी बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत ही सरलता से बताते हैं, यानी और भी नेटवर्कर है, और भी मोटिवेशन है, बट वो बहुत ही उनकी जो बातें हैं थोड़ी सी दिमाग के ऊपर जाती है, पर पूनम सर जी बहुत सरलता से बताते हैं। तो आई होप मेरे दोस्तों आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बनिए इस वर्कशॉप का और इसे डेडिकेशन के साथ डेली देखें। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, बेसिकली मेरा नाम तालिब हुसैन है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। और बात करूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। और मैं बात करूँ तो मेरे उन्हें ना नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ बोली जाती है कि आप अगर अच्छी तरीके से लर्निंग करोगे तो आप अच्छी तरीके से अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज वगैरह देखता था, ठीक है, और तब मैं उस टाइम देखते देखते मेरे सामने पूनम मूड सर की वीडियोज आनी स्टार्ट हुई, जिसको मैंने देख के बहुत सारी चीज़ें अपनी इंप्रूवमेंट की है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। और फिर सर ने एक 30 दिन की वर्कशॉप तैयार करी, ठीक है, जिसका हम पार्ट बने और बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, इतना ज़्यादा कि मैं बता देता हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी क्या क्या चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें हमें सीखने को मिली। और जिसकी वजह से हमारी कुछ हैबिट्स भी चेंज हुई, सिर्फ हमारी जो स्किल्स थी, बोलने की स्किल्स थी, वो भी चेंज हुई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूनम मूड सर हमें इस वर्कशॉप का पार्ट बनाने के लिए,
ये सभी दोस्तों के एक्सपीरियंस सुन के शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों के अंदर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। हम 8 तारीख को सुबह 5:30 बजे ये ट्रेनिंग चालू कर देंगे जो अगले 30 दिन चलेगी। अगर आपने 30 दिन की लगातार ट्रेनिंग ले ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, आपके अंदर एक बहुत बड़ी लीडरशिप आ जाएगी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।